पत्थर ले जाने आई हूँ। मेरी सबसे प्यारी भाभी लैला। अच्छा ठीक है, अच्छा चलो मेरे साथ चलो, हम लोग नीचे चलते हैं। तो फैल को कुछ बात करनी है, चलो आ जाओ। एसगी कहाँ है? मुझे बुलाया है क्या? कैसी हैं आप? हाँ चलो नीचे चलो, तो फैल तुम सबको बुला रहे हैं, चलो। मैं नहीं आऊंगी, जो कुछ उन्होंने सुबह किया है उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, इसलिए मैं नहीं आने वाली हूँ। तो अब मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगी क्या? बहुत तंग करती हो तुम यार, वाकई बहुत तंग करती हो। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, आजकल बहुत नए नए काम करने लगी हो। कल रात में तुमने मुझसे बदतमीजी की और आज तुम मुझे अंदर नहीं बुला रही। तुमसे कह रहा हूं, सुन रही हो ना मुझे? आपने भी तो उस शख्स पर हाथ उठाया है जिससे मैं मोहब्बत करती हूं। मैंने उसे तो नहीं मारा। वाकई में मुझे तो दिखने में वो बिल्कुल उसी की तरह लगा था। उसे मारा जिसने तुम्हें रुलाया। मगर दोबारा करेगा तो फिर पिटेगा। तो आप मेरी खातिर उस शख्स को मारने के बजाय प्यार करके तो देखें भाई। बैठो। बात सुनो यालिन, एक अच्छा लड़का है, मुझे नहीं मसला उससे। अगर उसने तुम्हारा दिल ना दुखाया होता तो मैं कभी उस पर हाथ ना उठाता, लेकिन उसने तुम्हें दुखी किया इसलिए वो पिटा, लेकिन अब ये सब खत्म होना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल सही। मैंने उसे बिल्कुल छोड़ ही दिया था भाई, मगर भाई मैं चाह के भी उसे पूरी तरह छोड़ नहीं सकी। ये ना तो मजाक है और ना ही खेल चल रहा है। क्या मतलब पूरी तरह नहीं छोड़ा? मतलब थोड़ा सा छोड़ा था। डेफिनेटली मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रही हूँ, आपकी बातें भी बिल्कुल ठीक लग रही हैं मुझे। हाँ मगर फिर भी मुझे आपसे कहते हुए डर सा लग रहा है भाई। पहेलियां बुझाना बंद करो, सही बताओ क्या चल रहा है। ठीक है बताती हूँ। कह रहा था कि असल में प्यार खत्म हो जाता है, मुझे ये उसकी बात ठीक नहीं लगी तो उसे छोड़ दिया मैंने। मगर फिर सिनान भाई ने समझाया कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। सही कहा, हम नहीं छोड़ते। इसीलिए तो मैंने बोला है कि छोड़ रही हूँ मैं तुम्हें, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे उसे यकीन आ जाए कि प्यार खत्म नहीं होता। नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? उसने आज मुझे भी यही कहा, यकीन है उसे अपनी बात पर। हाँ असल में उसे अपनी बात पर यकीन हरगिज नहीं है, बस डरता है दर्द से वो, इसीलिए ऐसी बातें करके एहतियात कर रहा है वो। क्या मतलब इस बात का? उसकी अम्मी, जब यालिन छोटा था तो वो अपने हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर चली गई। यालिन ने इंतजार किया उनका बहुत, उसे यकीन था कि उसकी अम्मी जरूर वापस आएंगी, मगर वो कभी भी नहीं आई। या अल्लाह कैसी सालिम औरत है, बच्चों का भी नहीं सोचा। और उसके अब्बू? कहते थे कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, अकेलापन बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी चले गए कहीं पे। वो दोनों के दोनों माँ बाप कहलाने के लायक नहीं है। इदरीस का सोचता हूं मैं, वो लड़का जिस मुश्किल से गुजरा होगा। देखा जाए तो अच्छा हुआ, वो बड़ा होके एक ईमानदार और अच्छा इंसान बनेगा।
भाई, अब तो आप समझ रहे हैं ना कि अब चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं किसी भी हाल में यालन को नहीं छोड़ सकती हूँ भाई। हाँ, कभी नहीं छोड़ना उसे। भाई, आपने अभी कहा था ना कि मुझे उसकी अम्मी को ढूंढना चाहिए। हाँ, कहा तो है। फिर मैं अगर यालन की अम्मी को ढूंढ लेती हूँ तो गुड है।